हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज की बिटकॉइन अपडेट एंड न्यूज़ जो अपडेट वीडियो है उसको लेकर, तो फिलहाल के लिए अभी मैं वापस आ गया हूँ चैनल पर। क्विकली अपडेट रेगुलर रहेंगे कल से और आज भी। एंड सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जो कि एकदम मतलब बहुत ही अनप्रडिक्टेबल वे में बिहेव कर रहा है। प्रडिक्टेबल यानी कि हमने आपको वॉर्न किया हुआ है टाइम से कि बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन की अगर जितनी तेज़ी से रिकवरी होती है वो हमारे लिए उतना ही ख़तरनाक संकेत भी होता है। क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन बढ़ता है तो उसके साथ साथ लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं, और लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं लोग तो लोगों के लेवरेज पोजीशंस बढ़ती हैं, फ्यूचर्स में पोजीशंस बढ़ती हैं, मार्जिन ऑर्डर्स बढ़ते हैं। तो इसी चक्कर में कई बार लोग मार्केट उल्टा बिहेव भी करती है, क्योंकि सेलर्स के सेलर्स को बायर्स चाहिए होते हैं, बायर्स को सेलर्स चाहिए होते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल के लिए जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस आप देखोगे कि रिजेक्शन कहाँ से हुआ, ये हमारा चार्ट है। ये 51.5 से जो पहला एरो ये जो मिडल में बना हुआ है, 51.5 से एग्जैक्टली रिजेक्शन हुआ हमारा। इससे पहले भी रिजेक्शन हमारा हो चुका है, और इससे बाद में जो अभी रिसेंट का रिजेक्शन हुआ उसमें देखो कि कितनी सारी रेड कैंडल्स बनी हैं। और करेंटली सपोर्ट हम लोग कहाँ पर लिए हुए हैं, 47,488 के आसपास। ये जो ग्रीन लाइन है उसी के आसपास मंडरा रहे हैं। अब ये टूटेगा तो डायरेक्टली हमें कहाँ पर आना है, 45,000 वाले लेवल पर आना ही होगा। और 45,000 वाला लेवल पहला लेवल है जो मैंने आपको बताया था वार्निंग में, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अपने न्यूज़लेटर में कि बिटकॉइन को अगर सही से ऊपर रैली करनी है तो इंस्टीट्यूशन या फिर जितने भी बड़े लोग हैं जो बिटकॉइन के पीछे गेम खेल रहे हैं, वो फ़िलहाल बिटकॉइन को 42,000 तक आराम से लेकर आएंगे। और यही एक चीज़ है जो बिटकॉइन में मैंने खुद से नोटिस की है और उसके बारे में वार्न करता आया हूँ सबको। और फिलहाल बहुत से लोगों को मैंने न्यूज़लेटर में भी बोला था कि ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन 39,000 तक चला जाए, तो बहुत से लोग मुझे कमेंट में आके गाली दे रहे थे या फिर वो ये बताए थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा या नहीं होगा नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए अभी तो मुझे यही आसार लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो एग्जैक्टली, बट फिलहाल वही सब सिनेरियो लग रहे हैं देखने में। अगर मैं आपको बिटकॉइन का XBT चार्ट दिखाऊं तो भी वही बात है। बिटकॉइन का कोई भी चार्ट, जितने भी चार्ट हमारे पे बने हुए हैं उनमें आप कोई भी चार्ट देखोगे तो सबके चार्ट में तरीका वही है, बातें भी वही हैं। और अगर आप वही 1 वीक का चार्ट देखोगे तो 1 वीक के चार्ट में भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, वो चीज़ें क्या हैं वो भी देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे वीकली जो क्लोजिंग है वो देख लेते हैं। वीकली क्लोजिंग हमारी अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रेड है, और अगर हम यहाँ पर 1 वीक से हटा के इसको हम लोग देख लेते हैं, 1 वीक नहीं इसको देखना पड़ेगा हमें 1 मंथ के लिए। अगर हम 1 मंथ के लिए देखेंगे तब जाके हमें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। जब हम 1 मंथ देखते हैं तो 1 मंथ की मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस मंथ की क्लोजिंग अगर हमारी 48,000 के ऊपर की ओर होती है तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी, वरना हम लोग नीचे ही होंगे। फ़िलहाल के लिए वो 48,000 अब चेंज होके एटलीस्ट 50,000 हमारा होना चाहिए। तो 50,000 अगर हम संभाल पाते हैं तो हमारा ये मंथ जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अगर हम उससे भी नीचे होते हैं तो भी हमारे लिए दिक्कत है, और अगले महीने तक हम लोग शायद करेक्शन करते करते 42,000 जाएँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ तक आने के बाद हम लोग पूरी तरह से रेडी होंगे एंड एक्युमुलेशन भी तैयार हो जाएगा, एंड वो एक बॉटम भी हो सकता है जिसके बारे में पढ़ने पर पता चला है ज़्यादातर। तो कुल मिला के ओवरऑल सिनेरियो जो हैं वो थोड़े बहुत बेरिश हैं इन अ शॉर्ट टर्म, बट इन अ लॉन्ग टर्म यही समय है खरीदने का चीज़ों को, यही समय है अच्छे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करने का, यही समय है डॉट एडा जो भी आपको मैटिक वगैरह मिलते हैं उनके लिए रेडी रहने का। अगर मैं आपको मैटिक दिखाऊं तो मैटिक भी बहुत अच्छी जो है रैली कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ डॉट एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ डॉट में एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉट जैसा कॉइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी ला के देता है। देखिए यहाँ पर डॉट की अगर बात करें तो डॉट का 1 मंथ नहीं, डॉट का अगर हम दिखाते हैं आपको 5 सेकेंड भी नहीं, डॉट का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 4 घंटे का जो चार्ट है। तो 4 घंटे के चार्ट में आप देखोगे डॉट बहुत अच्छा जो है 4 घंटे के चार्ट में डॉट ने ब्रेकआउट किया है, और ये वेज बनी हुई थी डॉट में,
डॉट की ये जो वेज बनी हुई थी ये ब्रेकआउट हुई, और ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्टली हमारा इसी लेवल में आया जो कि हमारा है $28 का लेवल है। तो 28 में अपने आ गए और यहाँ पर पिक किया। अब देखते हैं यहाँ पर मोमेंटम, बिटकॉइन अगर होल्ड करता है तो डॉट भी ऊपर जाएगा, अगर नहीं होल्ड करता है डॉट के नीचे आने के संकेत हैं जो कि है कम से कम $25 तक, तो $26 या फिर $25 तो आराम से आ सकते हैं हम लोग। फिर ये तो हो गई चार्ट की बातें और बिटकॉइन की बातें। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ट्रेडिंग से दूर रहिए, इन्वेस्टिंग भले कीजिए लेकिन ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि चौपी मार्केट में आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ जो पहली वो यही है कि इलॉन मस्क ने बोला है लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पे कि डोजकॉइन फंडामेंटली बेटर है एनीथिंग एल्स से, बाकी सारी चीज़ों से डोजकॉइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा क्यों है उसके लिए आप जाके ये इंटरव्यू चेक कर सकते हैं, लेक्स फ्रीडमैन के चैनल पर ये पढ़ा होगा। और ये है इलॉन मस्क का लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट 252 एपिसोड है। कार्डानो के फाउंडर जो हैं उन्होंने कहा है कि डीफाई सेक्टर में और भी इम्प्रूवमेंट्स आने बाकी हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ कार्डानो की, तो कार्डानो को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था चार्ल्स हॉकिंसन ने क्रिसमस ईव पर, और उन्होंने कहा था कि कार्डानो का जो प्लान था पिछले साल 2020 का वो ये था कि 2021 में वो हज़ारों एप्लीकेशन DApps लॉन्च कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला गूगल अपडेट वो लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन उसके लॉन्च होने में देर हो गई, इसी वजह से इस साल के अंत तक वो लोग DApps नहीं यहाँ पर लॉन्च कर पाए। और इसी चीज़ के बारे में उन्होंने सॉरी भी बोला एक तरह से, और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी आने वाले टाइम में काम चल रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है Q1 में वो लॉन्च करेंगे कई सारी चीज़ें। तो एडा की अगर चार्ट को देखोगे तो चार्ट में भी वो काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है, अभी फिर से वो रैली करने को तैयार भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में एडा को लेकर न्यूज़ भी आ सकती है। तो कुल मिला के एडा के लिए एक अच्छी पोजीशन हो सकती है। फ़िलहाल के लिए डॉट मेरा जो पर्सनल है वो पर्सनल रहेगा डॉट में, और मैटिक भी एक अच्छी रैली करेगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम से जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। धन्यवाद।